हेलो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे 2019 के सबसे इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन के साथ, जो है इसरो के कार्टोसेट 3 सैटेलाइट से रिलेटेड। इसरो ने अभी रिसेंटली कार्टोसेट 3 नाम का सैटेलाइट लॉन्च किया है यूजिंग PSLV C-47 लॉन्च व्हीकल। आपको बताना है कि कार्टोसेट 3 सैटेलाइट किन कामों के लिए यूज़ में आएगा। इसका आंसर है कार्टोसेट 3 सैटेलाइट उपयोग में आएगा वेदर मैपिंग, यानी मौसम कैसा रहेगा इसको पहले से बेहतर तरीके से फोरकास्ट करने के लिए। इसके अलावा कार्टोसेट 3 सैटेलाइट का उपयोग भारतीय बॉर्डर्स पर नज़र रखने के लिए भी किया जाएगा, यानी आर्मी और डिफेंस फोर्सेस को भी इससे मदद मिलेगी। और साथ ही साथ कई सारी स्ट्रेटेजिक एप्लीकेशन जैसे अर्बन प्लानिंग, कोस्टल लैंड यूटिलाइजेशन एट्सेट्रा में भी इसका इस्तेमाल किया जाएगा। बेसिकली कार्टोसेट 3 सैटेलाइट रिप्लेस करेंगे IRS यानी रिमोट सेंसिंग सैटेलाइट की सीरीज़ को, क्योंकि कार्टोसेट 3 सैटेलाइट की रेजोल्यूशन कैपेबिलिटीज़ बहुत ही हाई हैं। इसका कैमरा अर्थ के 0.25 मीटर्स तक देख सकता है, यानी 9.85 इंच तक की चीज़ें देख सकता है। यही वो चीज़ है जो इस सैटेलाइट को वर्ल्ड की सबसे हाई रेजोल्यूशन वाली सैटेलाइट बनाता है। दूसरा क्वेश्चन है लोकपाल से रिलेटेड। लोकपाल के चेयरमैन पिनाकी चंद घोष ने रिसेंटली लोकपाल लोगो और मोटो लॉन्च किया है। आपको बताना है कि लोकपाल का मोटो मा गृधा कश्य विधानम किस स्क्रिप्चर से लिया गया है। इसका आंसर है ईशब सोपनिषद। मा गृधा कश्य विधानम का मतलब है कि हमें दूसरों के धन को देखकर लालच नहीं करना चाहिए। थर्ड क्वेश्चन है उत्तर प्रदेश से रिलेटेड। रिसेंटली उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक पैरासिटिक डिजीज़ को ख़त्म करने के लिए एक मैसिव इम्यूनाइजेशन प्रोग्राम लॉन्च किया है। ये डिजीज़ राउंड वॉर्म के इन्फेक्शन से होती है। आपको इस डिजीज का नाम बताना है। इस डिजीज का नाम है फाइलेरिया। फाइलेरिया को एलिफेंटाइटिस भी बोला जाता है, क्योंकि इसमें पैर जो है वो हाथी के पैर की तरह हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बैन ऑन टोबैको प्रोडक्ट्स से रिलेटेड। आपको बताना है कि किस स्टेट ने टोबैको प्रोडक्ट्स को रखने, एडवर्टाइज करने और सेल करने को कंप्लीटली बैन कर दिया है। उस स्टेट का नाम है राजस्थान। राजस्थान इंडिया का लार्जेस्ट स्टेट है और राजस्थान की माउंटेन रेंज अरावली इंडिया की सबसे ओल्डेस्ट माउंटेन रेंज है। इसके अलावा राजस्थान का कुंभल फोर्ट की वॉल टोटल 38 किलोमीटर्स लॉन्ग है, जो कि ग्रेट वॉल ऑफ चाइना के बाद दूसरे नंबर पर आती है। फोर्थ क्वेश्चन है पीटा से रिलेटेड। पीटा यानी पीपल ऑफ एथिकल ट्रीटमेंट ऑफ एनिमल। आपको बताना है कि रिसेंटली किस इंडियन क्रिकेटर को पीटा पर्सन ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला है। आंसर है विराट कोहली। विराट को ये अवार्ड इसलिए दिया गया है क्योंकि ये एनिमल कंडीशंस को इम्प्रूव करने के लिए काफ़ी एफर्ट्स डालते रहते हैं। रिसेंटली इन्होंने आमेर फोर्ट में राइड्स के लिए इस्तेमाल होने वाले एलिफेंट को छुड़वा दिया। इसके अलावा ये एनिमल शेल्टर्स के भी चक्कर लगाते रहते हैं ये जानने के लिए कि उनकी देखभाल ठीक से हो पा रही है या नहीं। पांचवा क्वेश्चन है नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवर इक्पा से रिलेटेड। भारत सरकार ने रिसेंटली नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ सोवर इक्पा को एस्टेब्लिश किया है। आपको बताना है कि इस इंस्टीट्यूट को कौन सी जगह पर एस्टेब्लिश किया गया है। आंसर है लेह। सोवर इक्पा इंडिया का एक मेडिकल ट्रेडिशन है जो ऑलरेडी पूरी दुनिया में फेमस है। खास बात यह है कि ये सबसे ओल्डेस्ट लिविंग मेडिकल ट्रेडिशन है जिसका मेडिकल ट्रीटमेंट पूरी तरह से डॉक्यूमेंटेड है। ट्रांस हिमालयन रीजन्स में ये मेडिकल ट्रेडिशन सदियों से चला आ रहा है। अब सिक्स्थ क्वेश्चन है नेशनल पेंशन स्कीम से रिलेटेड। आपको बताना है कि रिसेंटली किस कैटेगरी के सिटीजन्स को NPS स्कीम में एनरोल किया गया है। इसका आंसर है ओवरसीज सिटीजन ऑफ इंडिया, यानी अगर आप किसी दूसरी कंट्री में रहते हो और आपके पास OCI कार्ड है तो आप भी NPS स्कीम में एनरोल कर सकते हैं। नेशनल पेंशन स्कीम गवर्नमेंट ने 2004 में शुरू की थी। स्टार्टिंग में ये स्कीम सिर्फ गवर्नमेंट एम्प्लॉयज़ के लिए थी, बट 2009 में ये स्कीम सब लोगों के लिए खोल दी गई और अब NRIs भी इसमें अलाउड हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कश्मीर से रिलेटेड। रिसेंटली जम्मू और कश्मीर को यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। आपको बताना है कि यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है। इसका आंसर है गिरीश चंद्र मुमरू। जब मोदी जी गुजरात के CM थे तो ये मोदी जी के प्रिंसिपल सेक्रेटरी भी थे। एट्थ क्वेश्चन है ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से रिलेटेड। आपको बताना है कि 2019 में इंडिया ईज ऑफ डूइंग बिजनेस रिपोर्ट में कौन से स्थान पर है। इसका आंसर है 63। आप देख सकते हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में इंडिया की रैंक लगातार घट रही है। 2018 में इंडिया 100वीं रैंक पर था,
और अब 63। इसका मतलब इंडिया में बिजनेस करना लगातार आसान हो रहा है। ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स वर्ल्ड बैंक द्वारा पब्लिश किया जाता है और ये रैंकिंग की जाती है डिफरेंट कंट्रीज़ की रेगुलेटरी प्रैक्टिसेस को आपस में कंपेयर करके। 9th क्वेश्चन है इंडियन रेलवे से रिलेटेड। IRCTC ने रिसेंटली एक ट्रेन स्टार्ट की है जो इंडिया और नेपाल की सभी बुद्ध पिलग्रिमेजेस को 8 दिन में कवर करेगी। आपको इस ट्रेन का नाम बताना है। इस ट्रेन का नाम है महापरिनिर्वाण एक्सप्रेस। ये ट्रेन पूरी जर्नी के लिए टोटल 8 दिन लेती है। इस ट्रेन का नाम बुद्ध के महापरिनिर्वाण सूत्र के नाम पर रखा गया है। महापरिनिर्वाण का मतलब है अल्टीमेट स्टेट ऑफ निर्वाणा। 10th क्वेश्चन है वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 से रिलेटेड। आपको बताना है कि यूनिसेफ की इस वर्ल्ड चिल्ड्रन रिपोर्ट 2019 के अनुसार भारत के कितने % बच्चे अंडरवेट हैं। इसका आंसर है 33%। इसी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि 2019 में जितने बच्चों की मृत्यु हुई उनमें 69% बच्चों की मृत्यु कुपोषण की वजह से हुई। साथ ही ये बात भी सामने आई कि इंडिया में हर दूसरी महिला अनीमिया से पीड़ित है। अनीमिया बॉडी में आयरन की कमी की वजह से होता है जिसकी वजह से बॉडी में रेड ब्लड सेल्स कम बनते हैं। 11th क्वेश्चन है शिरोई लिली फेस्टिवल से रिलेटेड। आपको बताना है कि 4 दिनों तक चलने वाला 3rd शिरोई लिली फेस्टिवल कहाँ मनाया गया। इसका आंसर है मणिपुर। शिरोई फ्लावर मणिपुर का स्टेट फ्लावर है और ये मणिपुर के अलावा और कहीं नहीं देखा जाता। 12th क्वेश्चन है कि इंटरनेशनल एस्ट्रोनॉमिकल यूनियन ने इंडिया के किस क्लासिकल सिंगर के नाम पर एक प्लैनेट का नाम रखा है। आंसर है पंडित जसराज। मार्स और जुपिटर के बीच पाए जाने वाले एक माइनर प्लैनेट का नाम अब से पंडित जसराज है। तो ये था 2019 करंट अफेयर्स सीरीज की वीडियो 1। आप कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं कि आपको ये वीडियो कैसी लगी। बुक्स तवा चैनल पर हिस्ट्री की बहुत सारी वीडियोस अवेलेबल हैं, आप उनको भी देख सकते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इसको लाइक कीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और ऐसी ही और वीडियोस को देखते रहने के लिए बुक्स तवा चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग बुक्स तवा।